राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना है, जबकि हरियाणा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हो चुका है। हिमाचल की एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर नामांकन हुआ। बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। दुष्यंत गौतम को जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करवाया गया। इसके साथ ही बाहरी उम्मीदवार होने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो गौतम ने कहा कि वो इटली से नहीं आए हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए दुष्यंत कुमार गौतम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बाहरी उम्मीदवार होने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो गौतम ने कहा कि वो इटली से तो नहीं आएंगे। इटली से नहीं आया हूँ मैं। हरियाणा के लिए प्राथमिकता ये है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, कोई जाति धर्म की वजह से अलग नहीं होना चाहिए जी। वही रामचंद्र जांगड़ा ने पूर्णकालिक सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। कुछ नहीं, मेरा पार्टी के प्रति समर्पण और विचारधारा के साथ जुड़ा रहना, यही मेरी गोटी है और इससे दूसरी कोई गोटी नहीं। फिलहाल हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं, जिनमें से बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने की स्थिति में नजर आ रही है। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। राज्यसभा के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल से खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अनाउंस कर दिया गया सर, दोनों कैंडिडेटों को लेके क्या करेंगे? बहुत बहुत शुभकामना, और दोनों कैंडिडेट बहुत योग्य कैंडिडेट हैं, हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे। और दोनों उम्मीदवारों की प्राथमिकता क्या रहेगी प्रदेश को लेकर? अब प्रदेश की हर बात को राज्यसभा में आगे उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, एकदम एकदम बहुत। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री साहब का यही कहना है कि दोनों उम्मीदवार मजबूती से प्रदेश की आवाज उठाएंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों उम्मीदवारों को यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई है। कांग्रेस ने हरियाणा में राज्यसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। दीपेंद्र हुड्डा नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कौन कौन नेता उनके साथ रहे और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन के दौरान सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस के ज्यादातर विधायक मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा नामांकन के वक्त नहीं पहुंची। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की ओर से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया गया और कहा कि वो कुमारी सैलजा से उनके आवास पर आशीर्वाद ले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और जैसे ही मेरी टिकट का फैसला हुआ, सबसे पहले मैंने जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उन्हीं के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं और वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। कुमारी सैलजा की सीट खाली होने पर रोहतक से 3 बार के सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, ऐसे में पार्टी नेता किसी भी तरह के मतभेद होने से इनकार जरूर कर रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। वही नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की, खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने।
कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भर दिया है। सबसे पहले दीपेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। पहले यही सवाल है कि पार्टी की तरफ से जो विश्वास जताया गया, क्या कहें? मैं सबसे पहले इस अवसर पे, मुझे क्योंकि उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी का, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल जी का, प्रियंका जी का और पूरे तमाम शीर्ष नेतृत्व का विशेष धन्यवाद करूँगा। जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं आज़ाद साहब, हमारे की हरियाणा की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, और हमारे नेता विपक्ष हैं चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और तमाम 31 जो विधायक हरियाणा के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हरियाणा करोड़ों लोगों की और देश के करोड़ों लोगों की आवाज़। 3 बार आप लोकसभा में रहे, अब राज्यसभा की तैयारी है, राज्यसभा में किस तरह की प्राथमिकताएँ आपकी प्रदेश के लिए रहने वाली है? देखिए, राज्यसभा मेरे लिए नहीं हो सकती है, देश की संसद नहीं नहीं है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि ईमानदारी से देश की आवाज़, देश के लोगों की आवाज़, किसान की, गरीब की, नौजवान की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का प्रयास करूं, और मैं समझता हूं उसी ईमानदारी से मैं और भी ज़्यादा प्रयत्न करूँगा कि लोगों की लड़ाई लड़ूँ, लोगों की आवाज़ उठाई जा सके। कुमारी शैलजा वाली सीट आपको दी गई है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो थोड़ा नाराज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई बात हुई हो आपकी? कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और जैसे ही मेरी टिकट का फैसला हुआ, सबसे पहले मैंने जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उन्हीं के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिया, और उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ दी, तो पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। यानी आशीर्वाद दे दिया है तो अब कोई ऐसी बात ही नहीं, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, और वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा का यही कहना है कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जो अनाउंसमेंट हुई थी जब उम्मीदवारी की, सबसे पहले आशीर्वाद इन्होंने कुमारी शैलजा से ही लिया है, और ऊपर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करने का काम दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। हरियाणा में 3 राज्यसभा सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन तीनों उम्मीदवारों का क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। बीजेपी ने जहां 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया। शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन तीनों उम्मीदवारों ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। ऐसे में तीनों ही उम्मीदवारों की राजनीतिक सफर को जानते हैं। दुष्यंत गौतम दिल्ली के रहने वाले हैं, उपचुनाव के लिए नामांकन किया गया है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति की शुरुआत की, अनुसूचित मोर्चे के उपाध्यक्ष रहे हैं, 3 बार बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष बने। राजेंद्र जांगड़ा रोहतक के महम के रहने वाले हैं, 1987 में जींद के सफेदों से चुनाव लड़ा, हबीबा के टिकट पर 1991 में महम से चुनाव लड़ा, करनाल से 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ा, बीजेपी के टिकट पर 2014 में गोहाना से चुनाव लड़ा, 3 बार प्रदेश उपाध्यक्ष बने, 2 बार बीजेपी ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष बने, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। इनके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा वर्तमान में सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं। 2005 में रोहतक लोकसभा से उपचुनाव जीता, 2009 में रोहतक से देश में सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले सांसद बने, 2014 में लगातार 3री बार चुनाव जीता, 2019 में हालांकि अरविंद शर्मा से काफी कम अंतर से हारे। कुल मिलाकर हरियाणा में 3 राज्यसभा सीटें खाली हैं और 3 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी जेजेपी के कोटे से दोनों उम्मीदवार राज्यसभा जाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस कोटे से संख्या बल के आधार पर दीपेंद्र हुड्डा की राह भी लगभग साफ दिख रही है।
हालांकि तस्वीर 26 मार्च को चुनाव और परिणाम के बाद ही साफ हो सकेगी। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नामांकन दाखिल करने के बाद दुष्यंत गौतम ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं 5 महीने के लिए भी मेंबर बन सकता हूं। आपको उतारा है बीजेपी उम्मीदवार बनाए, क्या कहेंगे जो आपको उम्मीदवार बनाए गए? मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है, मैं इसको एक चुनौती के रूप में लेता हूँ। ये हमारे पद लोलुपता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए कर्मठ भाव से, समर्पण भाव से जो हमारी नीति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक हमें दिया है मूल मंत्र अंत्योदय, हर व्यक्ति के। जो आपको उम्मीदवार बनाया गया फुल टाइम के लिए रहेंगे, उपचुनाव के लिए रहेंगे आप उम्मीदवार किस तरीके से? आपके लिए अभी मुझे मालूम हुआ है कि उपचुनाव के लिए है, लेकिन पार्टी अगर 5 महीने के लिए भी कहेगी वो भी करूंगा। विपक्ष ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी को नेता नहीं मिला, दिल्ली से नेता बुलाना पड़ा, फिर मैदान में उतारना पड़ा चुनाव मैदान में। इटली से नहीं आया हूँ मैं। और प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता हरियाणा को लेकर प्राथमिकता क्या रहेगी? हरियाणा के लिए प्राथमिकता ये है कि यहाँ का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, कोई जाति धर्म की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे गौतम साहब, इनका यही कहना है कि उपचुनाव के लिए इनको उतारा गया है, उपचुनाव के तौर उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, और कहना कि जो प्रदेश का विकास है वो इनकी प्राथमिकता रहेगी। तो 26 मार्च को राज्यसभा में 17 राज्यों के 55 सीटों पर चुनाव होंगे। तमाम दल राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। देश भर में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव की, ये वो सवाल है जिनका जवाब जानना वाकई जरूरी भी है। छब्बीस मार्च को राज्यसभा की 17 राज्यों की 55 सीटों पर चुनाव होगा। तमाम दल राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। देश भर में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना वाकई जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया जानने से पहले ये भी जान लें कि आखिर राज्यसभा है क्या। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन भी है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है, यानी राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में एक तिहाई सीट खाली हो जाती है, हर 2 साल बाद चुनाव होता है। राज्यसभा के लिए जनता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि मतदान करते हैं। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान भी नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया लगभग राष्ट्रपति के चुनाव जैसी है। राज्यसभा सांसद के लिए विधायक मतदान करते हैं। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे, ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब राज्यसभा का गणित क्या है वो भी आपको बता दें। राज्यसभा सदस्य के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक मतदान करते हैं। विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते, उन्हें ये अधिकार नहीं मिला है। राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या से विभाजित किया जाता है, जो परिणाम आए उसमें एक जोड़ा जाता है। विधायक प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं, पहली दूसरी और तीसरी पसंद का उम्मीदवार बताया जाता है। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है, ऐसा ना होने की स्थिति में चुनाव करवाया जाता है। साफ़ है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा से बिल्कुल अलग है। जनता भले ही वोट ना करे, लेकिन जन प्रतिनिधि मतदान करते हैं, राज्यसभा सदस्यों को संसद भेजते हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर तो अपनी आवाज उठाते ही हैं। साथ ही किसी भी बिल को लोकसभा से पास होने के बाद कानून में तब्दील होने के लिए राज्यसभा से पारित करवाना भी अनिवार्य है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। राज्यसभा चुनाव को लेकर खबरें अभी तक के संवाददाता ने रिटर्निंग ऑफिसर अजीत बालाजी जोशी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 सीटों पर 3 ही नामांकन आए हैं, जिसमें उपचुनाव के लिए दुष्यंत गौतम ने नामांकन किया है, और यदि नामांकन वापसी को लेकर कोई बदलाव नहीं होता तो तीनों ही उम्मीदवार निर्विरोध चुने हुए माने जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर के आज आखिरी दिन था और अब समय भी खत्म हो चुका है। हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर हैं अजीत बालाजी जोशी, उनसे जानते हैं कितने नामांकन आए हैं और किस प्रकार से अब आगे प्रक्रिया रहने वाली है।
दो सीटें थी जिन पर पूर्णकालिक चुनाव होना था, एक बाय इलेक्शन को लेकर के चुनाव होना था। कितने नामांकन आपके पास? बाय इलेक्शन के लिए एक नामांकन आया है और जो मुख्य चुनाव है दो, जो दो सीटों के लिए रेगुलर चुनाव हो रहे हैं उसके लिए दो नामांकन आ गए। बाय इलेक्शन के लिए श्री गौतम जी ने नामांकन किया है बाय इलेक्शन के लिए, और रेगुलर चुनाव के लिए श्री जांगड़ा जी और श्री हुडा जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तीन सीटों पर अगर तीन ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया है तो क्या अब आगे प्रक्रिया रहने वाली है? क्या निर्विरोध चुना जाएगा या फिर चुनाव इसके लिए संपन्न होगा या क्या प्रक्रिया इसको लेकर? नहीं, चुनाव अभी प्रमेफ से तो निर्विरोध है लेकिन स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी सोमवार के दिन और नामांकन वापस लेने की जो स्थिति है 18 तारीख उसके बाद निर्णय दिया जाएगा। और यदि स्क्रूटनी में और वापसी नामांकन में अगर कोई ऐसा नहीं होता तो इन्हीं को बिना चुनाव के निर्विरोध? जी, स्पष्टता है उसमें। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो अजीत बालाजी जोशी हमारे साथ थे और स्पष्ट तौर से उनका कहना है कि जिस प्रकार से इन तीनों सीटों पर कोई और उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है और स्क्रूटनी और नामांकन वापसी के दिन तक अगर इस प्रकार से कोई प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है तो निर्विरोध तीनों ही जो उम्मीदवार हैं उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाएगा बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के, यानी चुनाव की आवश्यकता इसके लिए नहीं रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन भरत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी इंदु गोस्वामी ने नामांकन भरा। सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदु गोस्वामी को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी इंदु गोस्वामी ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा की सीट कांगड़ा से कांग्रेस नेता विप्लव ठाकुर का कार्यकाल पूरा होने पर खाली हुई है। इंदु गोस्वामी ने सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में नामांकन भरा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। नामांकन भरे जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदु गोस्वामी को बधाई दी। विधानसभा परिसर में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच जश्न मनाया। वहीं नामांकन भरे जाने पर इंदु गोस्वामी ने खुशी जाहिर की। नहीं कि रिजाइन किया, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और पिछले 36 सालों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूं। तो मुझे तो संगठन ने जो भी जिम्मेवारी सौंपी है उसको निभाने की कोशिश करती रही हूं और आज महिला मोर्चा की अध्यक्षा के रूप में मैंने प्रदेश में काम किया है और आज सचमुच प्रदेश में इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे अध्यक्ष ने और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी इंदु गोस्वामी के नामांकन भरे जाने पर खुशी जताई है। और आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। ये सीट इससे पहले भी महिला के पास थी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि फिर से इस सीट पर एक महिला कैंडिडेट को हमको भेजना चाहिए और इंदु गोस्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के चर्चा करने के पश्चात आज यहां पर प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन ने फाइल किया है। इंदु गोस्वामी के नॉमिनेशन से साफ हो गया कि हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी का राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि विपक्ष ने आंकड़ों को देखते हुए अपना उम्मीदवार नहीं दिया है और अब इंदु गोस्वामी का निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है। इंदु गोस्वामी से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान इंदु गोस्वामी ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा महिलाओं के बारे में सोचती है। महिला को राज्यसभा भेजना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इसे एक महिला का नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए है। इंदु गोस्वामी जिन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया राज्य सचिवालय में या विधानसभा में, आइए उनसे बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण इंदु गोस्वामी के लिए आज कर रहे हैं। मैडम बताएं कितना महत्वपूर्ण दिन आपके लिए आज? एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए आज बहुत ही हर्षपूर्ण ये दिन है और एक महिला के नाते भी बहुत मेरे लिए हर्षपूर्ण दिन है ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को राज्यसभा के लिए चुना है। गांव से लेकर, पंचायत से लेकर, जिला परिषद से, सब स्तरों से लेकर अब यहां से निकल के पार्लियामेंट जाना है, राज्यसभा जाना है, कितना महिला सशक्तिकरण आपको लगता है कि आपकी पार्टी कितना महिलाओं के लिए सोचती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी,
हमेशा महिलाओं के हितों के बारे में सोचते रहते हैं, और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजना चलाई हैं पूरे देश में, और उसको प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। तो सचमुच में ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही आज शुभ दिन है, और मैं आज अपना जो एक राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना जो ये अपना नामांकन पत्र भरा है, मैं नामित हुई हूँ, तो मैं सभी अपने प्रदेश की लाखों लाखों महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सारी जितनी महिला कार्यकर्ता हैं उनको समर्पित करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित। हिमाचल प्रदेश से अब राज्यसभा जा रही है, बड़े हाउस में जा रही है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या ऐसी प्रायोरिटीज आप आपके जहन में रहेगी जो हिमाचल प्रदेश के लिए आपको लगता है सबसे पहले करनी है? एक सांसद के रूप में प्रदेश के विकास में मेरी जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका में बखूबी निभाऊंगी, और प्रदेश से संबंधित मुद्दों को राज्यसभा में उठाने का प्रयास करूंगी, और कोशिश करूंगी कि प्रदेश के विकास में मेरी जो एक राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भूमिका है उसको बखूबी निभाऊं। इंदु गोस्वामी जिनका आज नॉमिनेशन हुआ है, हालांकि इनका चुना जाना बिल्कुल तय है क्योंकि एक ही उम्मीदवार है, और 18 तारीख को जब स्क्रूटनी होगी, नाम वापस होगा, तो उनका नाम क्या ऐलान हो जाएगा। इनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है, एक महिला को यह सम्मान मिला है। छात्र राजनीति से लेकर बड़े राजनीतिक करियर तक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अब इनको संगठन ने वो जो इसका जो पारितोषिक है वो राज्यसभा में इनको भेजने के रूप में दिया है, और हिमाचल प्रदेश की हर आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद करती रहेगी। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ उमेश शर्मा, खबर अभी तक, विधानसभा शिमला। इधर इंदु गोस्वामी के नामांकन भरने के बाद हिमाचल सीएम से भी खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए इंदु गोस्वामी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, मुख्यमंत्री साथ में है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री से कितना महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश है, नारी शक्ति का जो सशक्तिकरण यहाँ से हो रहा है कितना महत्वपूर्ण, और इंदु गोस्वामी का राज्यसभा के लिए जाना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण सर बताएं, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से राज्यसभा हिमाचल प्रदेश में एक सीट इस दौर की जो मिली है वो महिला के लिए दी है। पहले भी महिला सांसद थी, अभी भी महिला सांसद, पहले भी कांगड़ा से थी, अभी भी कांगड़ा से है, और इस दृष्टि से मुझे लगता है कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर कांगड़ा बहुत बड़ा जिला, उस लिहाज से भी क्या ये राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, हालांकि आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूं कि दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, पहले भी महिला यहाँ से सांसद रही है, और अब भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश में प्रयास चल रहा है उसी का प्रयास का यह नतीजा है कि आज इंदु गोस्वामी को एक बार फिर द्वारा राज्यसभा भेजा जा रहा है। कैमरा सहयोगी जयंत शर्मा के साथ उमेश शर्मा, खबर अभी तक शिमला। नामांकन का आखिरी दिन रहा, नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं, अब इंतजार 26 मार्च का है, राज्यसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।